तो एक कॉज जो मैंने शुरू किया है, तो ये पाकिस्तान के लिए या फिर शायद हम खवातीन के लिए या फिर शायद हमारी गवर्नमेंट के लिए शर्म की बात होगी कि एक औरत ने तारीख रकम की और फिर वही तारीख उसने खुद दफन कर दी, इसलिए कि उसके पास हुकूमत की सपोर्ट नहीं थी। हमने काफी सारे, मैं खुद 5 तक की लड़कियों को जो स्वरा में गई थी यानी वनी जी हुई थी जो, उनको वापस लेकर आई हूँ अपने घरों पर। हमने पूरे पूरे उनके जिन जिर्गों ने ये फैसले किए थे, हमने वो पूरे उनको जेल भी करवाई, उनको सजा भी चढ़ी। तो अब मर्द हजरात भी अपने फैसले हमारे पास लेकर आते हैं, उनके विरासत के फैसले हम हल करते हैं हमारे सामने, बिल्कुल उनको हमारा फैसला मानना पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा जो जस्टिस लॉ कमीशन है उनके पास फंड आता है बाकायदा से, और मेरी इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में मुनीरा बासी साहिबा थी और जनरल सेक्रेटरी साहब थे, वो बैठे हुए थे, उन्होंने बाकायदा मुझे 2 मरतबा इनवाइट किया, मुझसे पूछा 2 मरतबा कि आपको क्या सपोर्ट चाहिए। मैंने उनको सपोर्ट अपना बताया भी कि मुझे लीगल एड की सपोर्ट की जरूरत है, मुझे अपना एक बेंच चाहिए। बहुत सारे लोग इसके पीछे पड़े हुए कि नहीं हम जिरगा सिस्टम को नहीं मानते, लेकिन मेरा कहना यह है क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ और मैं जिरगा सिस्टम को झेल चुकी हूँ, जो ज्यादती होती है वो मैं खुद झेल चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि ये हमारी सदियों पुरानी रिवायत है। जब अदालतें नहीं हुआ करती थी तब जिरगे हुआ करते थे, कानून तो बाद में बना हमारा। इस तरह से मैं समझती हूँ कि जिरगा सिस्टम को खत्म करना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है।